Assalamualaikum. Live with Kazim Basi from Murree Station. कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मुल्का के साथ मुरी से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. सुबह बखैर. और ज़बरदस्त बारिश के बाद मुल्का के साथ मुरी का गेंद जी बहुत ज़बरदस्त और क्लाउडी मौसम है और बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन और मज़ेदार ठंड ठंडी हवा चल रही है इस टाइम. मलका कुसार मरी का जी करंट टेम्परेचर कल इस टाइम था 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड सुबह के टाइम से ही था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मलका कुसार मरी का खूबसूरत मौसम है और खूबसूरत मौसम के साथ साथ टेम्परेचर भी 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड है और ठंडी मज़ेदार हवाएं चल रही हैं जिसने इस मौसम को मज़ीद खूबसूरत मज़ीद ज़बरदस्त और बेहतरीन बना दिया. बहुत ज़बरदस्त बारिश रही जी रात तकरीबन 2 से 3 बजे तक. आपको लाइटनिंग भी दिखाई, थंडरस्टॉर्म बहुत कमाल ज़बरदस्त किस्म का था और जिसकी वजह से एक सबसे बड़ा फ़ायदा कल हुआ, जो जो हमारे जंगलात में लगी आग थी वो बुझ चुकी थी और वो इसी बारिश की खूबसूरती की वजह से अल्लाह पाक ने जो हमारे जंगल जल रहे थे उनको भी तकरीबन वो अब बुझ चुके हैं. तो जी ये एक छोटी सी मस्ती चिंगारी की वजह से, जैसे कल भी वीडियो शेयर की जनरल साहब की, उन्होंने वो आइट विटनेस थे जिन बच्चों ने पटाखा फेंका जंगल में, उस पटाखा फेंकने की वजह से फिर जो खुश्क जो यहाँ पे चिबोतल गिरा होता है उसमें उसने आग पकड़ ली और फिर करते ही करते बस्ताल वाली साइड पे जो जंगल है जिसमें कल भी परसों भी मैंने वीडियोस लगाई थी और बताया था, तो वो लपेट में आ गया. तो बहरहाल ये छोटी सी हमारी मस्ती और मस्ती की वजह से और एक छोटी सी शरारत की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो जाता है जिसकी हमें बिल्कुल किसी तरह भी अहमियत नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान हो जाता है कि अगर जंगल जलना शुरू हो जाए. तो भारत मलका के साथ मरी का खूबसूरत मौसम है, क्लाउडी है. आज भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ रेनफॉल ज़रूर होगी आज और कल तक. अंग चोली थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी और ये मौसम अनएक्सपेक्टेडली फ़ौरन से एकदम चेंज हुआ है. कल दूर दूर तक असरात इसके नहीं थे, लेकिन शाम मगरब के बाद अल्लाह की कुदरत के एकदम मौसम बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का चेंज होते साथ ही खूबसूरत नज़र आना शुरू हो गया. मौसम भी बहुत खूबसूरत हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं और बादल मज़ीद आज छाए हुए हैं कल की तरह से. कल की तरह इस मगरिब के बाद ज़बरदस्त बादल थे ऐसे ही और अब भी इस तरह के वापस हैं. तो उम्मीद की जा सकती है कि फिर किसी भी टाइम पर बारिश होने के इम्कान बढ़ जाएंगे. जब बारिश होती है तो जंगल खूबसूरत नज़र आना शुरू होते हैं, बहुत इंतहाई खूबसूरत. और ये वो मुकाम है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ये कोस्टर्स वगैरह जितनी खड़ी हैं. आप शायद ये घन देख सकते होंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो गाड़ियाँ हैं जो ये पार्क हुई हुई हैं यहाँ से होती हैं और जब वापस जाते हैं तो ये शॉपर्स, खूबसूरत शॉपर्स यहाँ पर अपने सफाई का निज़ाम छोड़ के और बेहतरीन तरीके से चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि बाद में इसको कौन साफ़ करेगा और ये गंदगी जो फैली है इसके कितने असरात दूर दूर तक जाएंगे. तो ये साइड्स पे रोड्स पे गाड़ियाँ जितनी पार्क होती हैं, जितने भी ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं लेकर आते हैं टूर्स वगैरह, उनसे मेरी मुदबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने ड्राइवर्स हजरात को भी इस चीज़ को शोर करवाया करें कि जब भी आप किसी भी हिली एरिया, नॉर्दर्न एरियाज, गिलियात रीजन जाते हैं तो वहाँ पर मेहरबानी करके ये जो घन डलता है वो मत डाला करें. और लोगों को भी जो आपके पैसेंजर्स हैं, जो टूर्स वगैरह लेकर आते हैं, उनको भी इंश्योर करवाया करें कि ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना हो और ये साफ़ सुथरा माहौल हर जगह रहे और बेहतरीन रहे. सफाई का काम होता है, जगह जगह पर डब्बे सफाई के रखे हुए हैं जहाँ पे आप डस्टबिन डाल गंद डाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखने को मिलता है और बड़े दुख और अफसोस की बात है कि इलाकों को गंदा करके वापस चले जाना और ये सोच के जाना कि हम अपना गंद पीछे फेंक गए, लेकिन ये सोच नहीं आती हमारे जहन में कि हम पूरे मुल्क के खूबसूरत इलाकों को गंदा करके आ गए. बहरहाल हम कौम होने का सबूत तो दें, खैर कौम तो है नहीं, हम वैसे भी हजूम हैं और हजूम में भेड़ बकरियाँ ही होती हैं जिनको जहाँ शीखे हैं वहीं चलना शुरू हो जाती है. तो खूबसूरत इलाके हैं, उनको साफ़ सुथरा रखना मेरा आपका और इखलाकी और हर लिहाज से फ़र्ज़ है और कौमी भी फ़र्ज़ है, ताकि हम गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती, कोई कौमें भी होती हैं जो शऊर लाती हैं और वो उनका बिल्कुल जितनी गवर्नमेंट्स होती हैं उनका फुल फ्लेज सपोर्ट करती हैं. कानून सख्त हो, डंडा हो और मेरे ख्याल से फिर किसी किस्म का इशू नहीं होता. यह है कुलडन्ना रोड जी और कुलडन्ना का खूबसूरत मकाम. यहाँ पे कभी बर्फ़ के खूबसूरत मनाजिर होते हैं और कभी बहारों के खूबसूरत मनाजिर होते हैं
यहाँ का मौसम बाकी मली से हमेशा डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत जंगल है जिसको ठंडा जंगल कहते हैं और यहाँ पे हमेशा 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क हमेशा देखा गया है, चाहे वो सर्दियाँ हों चाहे वो गर्मियाँ हों। तो शॉल्स वाले भी जी जारी और सारी हैं अपना काम, इस लाइव स्ट्रीमिंग को भी शेयर करते रहें, अपडेट आपको मिलती रहेगी। सिटी भी अपना काम जारी सारी रखे हुए है और रश के हालात भी अब नॉर्मल है जी, जो रश हमें ईद के दिनों में ईद हॉलीडेज में नज़र आती हैं वो अब नहीं आती, लेकिन बहरहाल रश ज़रूर हमें जो क्राउड है वो मिलेगा, फैमिली ज़रूर मिलेंगी, दोस्त यार ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये हालात अगस्त तक रहने हैं और ये अगस्त एंड तक जो वेकेशन चल रही हैं समर वेकेशन सारे पाकिस्तान में, उसकी वजह से फिर ये हमें मामूल के मुताबिक जो काम है वो भी जारी और सारी रहेगा और हर इलाके में लोग आएंगे जाएंगे और रश देखने को मिलेगा। मंडे टू थर्सडे जी हर जगह पे एक नॉर्मल क्राउड होगा, जो गाड़ियाँ वीकेंड में इंटर होती हैं आप एग्जांपल ले लें 50,000 तो वो नॉर्मल डेज में 15,000 से 20,000 रुपये आ जाती हैं, और इसी तरह वीकेंड में जब शुरू होता है थर्सडे से ऑनवर्ड टूवर्ड संडे तक फिर हमें रश देखने को ज़रूर मिलेगा और वहाँ पे फिर आप अपनी बुकिंग्स लेकर आएँ, कंफर्म बुकिंग्स लें, रश मत करें, ट्रैफिक का बहुत एहतियात और ख्याल से चलें। मनान साहब और आप सबको मैं वालेकुम सलाम कहता हूँ और वेलकम करता हूँ। शीबा अब्बास साहब क्या हाल हैं सर? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। और जी बिल्कुल ईद के दूसरे दिन 9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, बिल्कुल होता है, मौसम कोई पता नहीं चलता मलका कोसार का किस टाइम कब चेंज हो जाए, और मज़ेदार और बारिश इस तरह आपने देखा भी कि अनएक्सपेक्टेडली कल हुई और बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई और बहुत शदीद लाइटनिंग थी और बहुत कमाल किस्म की। तो वेलकम करता हूँ सबको, गुड मॉर्निंग सुल्ताना गाजी, रुबीना, फरवा और साकिब साहब क्या हाल हैं सर? ठीक हैं। इकराम साहब लाहौर में आज क्या हुआ जी? आज लाहौर बादल छाए हुए हैं, चले जी तो बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए, मानसून भी करीब है और मानसून की बारिशें भी होंगी। गर्मी वाले इलाकों में मानसून जब शुरू होता है फिर हबस हो जाती है और हबस से ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसमें एसी भी इतने अच्छा काम नहीं करते और ना ही कूलर्स। तो बहरहाल जब यहाँ पे मानसून स्टार्ट होता है, यहाँ पे मानसून स्टार्ट होते ही इस साइड से शायद सिंगल्स ड्रॉप हो जाए, आगे जाके फिर मिल जाएंगे हमें। तो मानसून जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे फॉगी वेदर होता है, बहुत कमाल और बहुत खूबसूरत किस्म का, और ज़बरदस्त बारिशें जारी सारी होती हैं। लेकिन हिली एरियाज़ में जब भी आप आते हैं बहुत एहतियात से ड्राइव किया करें, जब बारिश हो रही होती है नॉर्थ नारान साइड, कलाम साइड लैंडस्लाइड का बहुत ख़तरा होता है, मरी किसी एक साइड पे जब आप एक्सप्रेस वे से आए वहाँ पे बस जब आप क्रॉस करते हैं मलाश वाली साइड वहाँ पर थोड़ा बहुत ख़तरात होते हैं कि बारिश से पत्थर और लैंडस्लाइड नीचे आना। तो ये हिली एरियाज़ में जब तक ज़मीन नरम होती जाती है तो वहाँ पे फिर ये हालात पैदा हो जाते हैं। तो बहरहाल जी एहतियात से आया करें, एहतियात से जाया करें, और किसी किस्म का कोई इशू हो तो बिल्कुल इनबॉक्स किया करें और आपकी कोई भी क्यूरी हो उसको रिजॉल्व करने की इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से, ताकि जो इंफॉर्मेशन चाहिए सबको वो प्रॉपरली मिल जाए। ये कुल्डन्ना रोड से टूवर्ड्स जी सनी बैंक साइड है, जी टी रोड कह लें, और जी टी रोड कनेक्ट करता है जिस चौक से भी मैं लेफ्ट हुआ हूँ वहाँ से सीधा आप नथेगली यूबिया जा सकते हैं। तो नथेगली यूबिया में भी क्राउड है जी और फैमिलीज वगैरह सब जा रहे आ रहे हैं। तो बुकिंग्स आजकल जो रेट होता है वीकेंड से थोड़ा सा कम होता है वीकडेज में, फिर आगे जाके वीकेंड में थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये हर इलाकों का यही रूटीन चलती रहती है, कौन कहाँ किस जगह जा रहा है, तो बहरहाल वो अपनी इंफॉर्मेशन ले कर चले। अगेन एंड अगेन बाबू सर स्टिल क्लोज है, अभी इंफॉर्मेशन नहीं है और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब उसके थोड़े दिन ही बकाए हैं कि वो ओपन हो जाएगा और फिर हर किसी के लिए इजी एक्सेस होगी, हमजा चिलास गिलगित साइड और उससे आगे जहाँ जहाँ भी आप जा सकते हैं। मोहम्मद नज़ीर साहब कैसे हैं सर? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। अली रेसर साहब क्या हाल है सर? ठीक है सहमुल्ला। मोहम्मद नज़ीर मौसम की अपडेट आपके सामने है मेरे भाई, खूबसूरत मौसम है, बादल छाए हुए हैं मलका कोसार में, ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाओं के साथ साथ मज़ेदार किस्म का मौसम है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई जो कल रात तकरीबन 2 से 3 बजे तक जारी रही और आज फिर चांसेस हैं बारिश होने के। तो देखें अब क्या बनता है मौसम का और किस तरह करवट लेता है। तो अच्छा हो गया मौसम जी, कल इस टाइम बड़ी ज़बरदस्त बड़ी बेहतरीन धूप थी और अब आपके सामने है
और ठंडी हवाएं चल रही हैं, खूबसूरत हवाएं हैं। रात के टाइम गर्म स्टफ की ज़रूरत पड़ सकती है तो बहुत एहतियात किया करें, गर्म स्टफ साथ रख के चला करें, बच्चों का बहुत ख्याल रखा करें ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना हो और बच्चों को सर्दी से बचाया करें। और जब सफ़र पे आते हैं तो उनके खाने पीने की अशिया और जो उनका स्पेशल जो दूध है वो आप जो एक बॉक्स लेके चलते हैं कैरी करके, तो बेहतर है कि आप दो तो ज़रूर लें, दो या तीन, क्योंकि कभी रश होती है, कभी मौसम साथ नहीं देता है नॉर्दर्न एरियाज़ का, कभी कहाँ तो किसी टाइम भी कहीं भी मौसम बदल सकता है और अल्लाह ना करे कोई मुश्किल हो तो फिर ताकि बच्चों को सर्वाइवल ईजी हो, बड़े फिर सर्वाइव कर जाते हैं तो मसला सारा बच्चों का होता है। वैसे भी इर्द-गिर्द बच्चों का बहुत ख्याल रखा करें, देखभाल रखा करें, नज़र रखा करें और अनजान और बग़ैर किसी गैर जिम्मेदार बंदों के हाथ बच्चों को मत भेजा करें। जब भी किसी नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, किसी एरिया जाते हैं, हर बंदा आया होता है, चाहे वहाँ शहर पसंद ले लें, चाहे कोई भी माफिया ले लें, ताकि वहाँ पर भी किसी किस्म का आपको इशू ना हो और आप सब एहतियात से अपने मकाम पर पहुँच जाएँ और जो इंजॉयमेंट है अपने सामान का ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द ख्याल रखा करें कहीं भी किसी किस्म की, ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो ये जी कार्ट रोड वाली साइड है जी, हवा आपके सामने है, बादल हर तरफ छाए हुए हैं और बहुत खूबसूरत है मज़ेदार वेदर मलका के साथ मरी का जो आप अभी इंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम साहब क्या हाल है सर? ठीक है। नज़ीर साहब शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच, इन्होंने शेयर किया, बहुत शुक्रिया आप सबका। ये खूबसूरती है कि शेयर किया करें ताकि पूरी दुनिया इस मुल्क की खूबसूरती को देखा करें, इंजॉय किया करें और जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है अपने घरों से निकल रहे हैं ताकि वो किसी किस्म का उनको इशू ना हो और फुल इन्फॉर्मेशन ले कर निकलें। तो ये ट्रू बेस होती हैं जी, रियलिटी बेस होती हैं, कोई किसी किस्म का इसमें हिडन नहीं होता। और मज़े से चलते जाएं और इंजॉय करते जाएं। तो ये जी खूबसूरत मरी, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाएंगे और आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो लोकल भी आती है मरी में जी, फैज़ाबाद के मकाम से। कुछ लोग पूछते हैं कि मरी जब आप बस वगैरह में आते हैं, ट्रेन वगैरह में आते हैं, ये अपनी कन्वेंस नहीं होती कराची से लोग आते हैं, तो फैज़ाबाद से आप लोकल से आ सकते हैं, अदरवाइज़ रेंट अ कार लेके आप मलका के साथ मरी आ सकते हैं। उसके अलावा माल रोड पर जाना हो तो फिर ये हाई रूफ और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उसको अलाउ नहीं है, रेस्ट आप रेंट अ कार लेके तो डायरेक्टली मरी माल रोड से पे आप ड्रॉप हो सकते हैं। ये भी है कि क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि वहाँ पर क्या कैसे और किस तरह जाएँ, तो बहरहाल मलका कोसार में जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको लारी अड्डे पर ड्रॉप करती है तो वहाँ से आप पैदल वॉक करके भी जा सकते हैं और वहाँ से आप गाड़ी भी करवा सकते हैं स्पेशल, और लोकल गाड़ी वहाँ से बहुत कम जो है माल रोड को जाती है। इस तरह जब आप चिगे गली में ड्रॉप करते हैं, यही लोकल जो आपको टोयोटे वगैरह पर आप जब आते हैं, फिर आप वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट जिगे गली से लें और वो आपको डायरेक्टली माल रोड पर ड्रॉप करती है। तो यह जी मलका कोसार मरी का खूबसूरत मौसम और ख़ूबसूरत अपडेट आपके सामने है। ठंडी हवाएं हैं, खूबसूरत हैं और बहुत बेस्ट वेदर है, सही एंजॉय करने वाला है जिस हद तक आप एंजॉय कर सकते हैं और उसको करते जाएं। तो मिला मुझे ये कार्ट रोड की तरफ रवाना हुआ है जी, बहुत टू हॉट है जी मियां फॉक्स साहब, यहाँ का मौसम बहुत कमाल है और हर नॉर्दर्न एरिया उस गिलियाद रीजन का मज़ेदार और बेहतरीन है। भारत जी खुश रहें, खुश रहा करें, लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करते रहा करें और खूबसूरत लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ सफाई का बहुत ख्याल रखा करें। जहाँ पे भी मैं और आप जाते हैं और हमारे लोकल्स हैं जो भी हैं जिधर भी हैं, हम सफाई का हर नॉर्दर्न एरियाज़ में ख्याल रख के चलें, एहतियात से चलें ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना हो और जितनी सफाई रहेगी उतने खूबसूरत इलाके होंगे और सफाई निफ्स ईमान है और सफाई के बगैर इंसान की अपनी ज़िंदगी भी एहसन तरीके से नहीं गुजर सकती। तो जितना हम घरों को ख्याल साफ़ सुथरा रखते हैं, ये घर ही है हमारा पाकिस्तान, और इसको भी हम साफ़ सुथरा रखें ताकि इसमें गंदगी ना फैले और जो है यहाँ पे खूब इंजॉय करें। तो खुश रहें जी, खुश रहा करें, नॉर्मल जहाँ जहाँ आते हैं इतिहास से जाएं और आएं, अपना अपना घर वालों का बहुत ख्याल रखें। आपसे देते हैं इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।